ओके तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को फेस आईडी या फिर टच आईडी से सिक्योर कर सकते हैं। ओके तो सिक्योर करने के बाद बेसिकली ये एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होगा, तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको ये जो 4 डिजिट का लॉगिन पिन है और जो कैप्चा है वो बार बार डालना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन बेसिकली बार बार लॉग आउट होता ही रहता है। तो जैसे ही आप फेस आईडी या फिर टच आईडी को इनेबल करोगे तो बेसिकली ये आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे फेस आईडी रिकॉग्नाइज होने के बाद। तो ये कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, आपको बस बैक आना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स के अंदर, इसके बाद में यहाँ पे आपको IRCTC एप्लीकेशन को सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो IRCTC रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन नज़र आता है, यहाँ पे आपको इसे टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेस आईडी इनेबल करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर इन केस आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता तो बस आपको बैक आना है, इसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड में। तो जैसे आप यहाँ पे फेस आईडी एंड पासकोड को टैप करोगे, आपको डालना है यहाँ पे आपका 6 या 4 डिजिट का जो भी है पासकोड। इसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है अदर एप्लीकेशंस में, अदर ऐप्स में। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन 100% नज़र आएगा IRCTC रेल कनेक्ट का, तो आपको यहाँ पे इस टॉगल को ऑन करना है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ से फेस आईडी ऑन हो जाएगी, बेसिकली यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं होता। इसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है उस एप्लीकेशन में IRCTC रेल कनेक्ट के अंदर। आप देख सकते हो फेस आईडी को इनेबल करने के बाद भी एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको डालना है आपका, यहाँ पे डालना है आपको आपका, ओके नो, 4 डिजिट का पिन। ओके यहाँ पे पता नहीं ये प्रेस क्यों नहीं हो रहा। ओके मैंने इसे रिसेंट से एक बार क्लियर किया है, इसके बाद में मैं इसे वापस ओपन करूँगा। ओके ये ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पे टॉप टैप करना है लॉगिन पे, यहाँ पे डालना है आपको आपका 4 डिजिट का पिन। ओके ये मैंने डाला यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है यहाँ पे कैप्चा जो है Q7 QAR। ओके इसके बाद में यहाँ पे आपको टैप करना है लॉगिन पे। ओके तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे जाना है मोर के अंदर। यहाँ पे आपको मोर, यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे राइट हैंड कॉर्नर में, आपको यहाँ पे आपको टैप करना है मोर को। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो फेस आईडी ऑथेंटिकेशन इनेबल करने का टॉगल यहाँ पे नीचे, तो इसे आपको यहाँ पे ऑन करना है। और जैसे ऑन करोगे फेस आईडी मतलब फेस आईडी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ओके मतलब वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई करेगा ये फेस को आपकी फेस को वेरीफाई करेगा ये। इसके बाद में यहाँ पे आना है आपको बैक, आपको टाइप करना है बैक पे आपको एग्ज़िट करना है इस एप्लीकेशन को। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे एप्लीकेशन एग्ज़िट हो जाएगा। इसके बाद में आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हो तो एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन हो जाता है। यहाँ पे फेस आईडी ऑप्शन इनेबल करने का यहाँ पे फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको वो 4 डिजिट डालने की ज़रूरत नहीं होती। ओके यहाँ पे इनवैलिड यूज़र आया है फेस आईडी रिकॉग्नाइज करने के बाद भी, ऑथेंटिकेट करने के बाद भी, तो बस आपको यहाँ पे ओके करना है, वापस लॉगिन पे टैप करना है। नहीं यहाँ पे ओके, यहाँ पे नीचे बेसिकली फेस का यहाँ पे लोगो आपको नज़र आएगा फेस आईडी का, तो आपको इसे टैप करना है। यहाँ पे फेस आईडी अच्छे से मतलब हो जाएगी ऑथेंटिकेट। यहाँ पे जैसे हो जाएगी तो आपको लॉगिन मतलब लॉगिन में वो 4 डिजिट का जो पिन है और जो कैप्चा है बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होगी, फेस को मतलब बस दिखाने से आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे इस एप्लीकेशन के अंदर। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो सिंपल और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, उनको शेयर ज़रूर करना जिनको ये पता नहीं जो बार बार अपना 4 डिजिट का पिन और कैप्चा डालते रहते हैं। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।